हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वचालित ड्राइव के लिए प्रेफर्ड की जाती है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल्ड DC मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर्स, संट मोटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल्ड DC मोटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लाभ हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैज वेरी लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क, देयर वर्किंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन आल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ग्रुप ड्राइव। ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ड्राइवर इलेक्ट्रिक ड्राइव के एडवांटेज हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, हाई एफिशिएंसी, लो नॉइज, कांस्टेंट स्पीड, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, हाई एफिशिएंसी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिक मशीन के नुकसान हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लो एफिशिएंसी, लो ओवरलोड कैपेसिटी, कैन नॉट बी यूज फॉर कांस्टेंट ऑपरेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कांस्टेंट ऑपरेशन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है, DC मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन में किस प्रकार की इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टी मोटर, ग्रुप, इंडिविजुअल, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मल्टी मोटर। क्रेन में मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इट प्रोवाइड स्मूथ एंड इजी कंट्रोल, इट इज ए चीपेस्ट इन कॉस्ट, इट इज ए सिंपल एंड रिलेबल आल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, आल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव के मूल तत्व हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, नन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ड्राइव का उपयोग धातु काटने वाली मशीन टूल्स, रोलिंग मिल आदि के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव का उपयोग धातु काटने वाली मशीन टूल्स, रोलिंग मिल आदि के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क का यूनिट है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन हर्टज, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रोलिंग मिलों के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डीसी मोटर्स, सिंगल फेज मोटर्स, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स रोलिंग मिलों के लिए सर्वोत्तम हैं। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग लिफ्ट के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर, एनी ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का उपयोग लिफ्ट के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।